जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें जंतर मंतर पर जो मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर पर एक महारैली जो दलित महारैली है वो निकाली जा रही है कि जो आरक्षण जो शिक्षकों को और जो रोजगार में जो मिलता है उसको लगभग खत्म कर दिया गया है, उसके विरोध में तमाम पार्टियों ने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन यहाँ महारैली जो निकाली गई है उसमें हमारे साथ में देखिए दिल्ली सरकार से समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, क्या ये जो दलितों पर जो अत्याचार जो शोषण जो बढ़ता जा रहा है, जो इनके रास्ते भी अधिकार के रास्ते जो बंद किए जा रहे हैं उनके खिलाफ आज आंदोलन जगह जगह जो चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली आज जो केंद्र में सरकार है वो आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहती है जी। वो पूरे देश के अंदर भारत के संविधान को बदल के मनुस्मृति लागू करना चाहती है जिसमें हमारे लोग दोबारा से गुलाम बन जाएं। लेकिन ये साजिश जो चलेगी नहीं, इन्होंने जो ये 200 पॉइंट रजिस्टर खत्म करके 13 पॉइंट रोस्टर जो ये लागू कर रहे हैं, इससे हमारे लोग देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर कोई भी नहीं बन पाएंगे जी। मतलब प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर तो छोड़िए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बन पाएंगे जी। क्योंकि इस रोस्टर के हिसाब से पहली वैकेंसी जो है वो जनरल को जाती है, दूसरी वैकेंसी भी जनरल को जाती है, तीसरी भी जनरल को जाती है, चौथी जो ओबीसी को जाती है, पांचवी जनरल को जाती है, छठी जनरल को जाती है, सातवीं एसटी को जाती है जी। तो ये 3 से ज्यादा वैकेंसी कहीं किसी विभाग के अंदर निकलती नहीं है जी। इस जजमेंट के आने के तुरंत बाद पूरे देश के अंदर वैकेंसीज यूनिवर्सिटीज ने निकाली है और सारी वैकेंसीज अनरिजर्व की है, जनरल कैटेगरी की है, एससी एसटी ओबीसी किसी के लिए भी कुछ नहीं है। सीधा फायदा जनरल को जा रहा है, केवल फायदा नहीं बल्कि दोबारा हमारे लोगों को गुलाम बनाने की साजिश है, ये मनुस्मृति को लागू करने की साजिश है, ये भारत के संविधान के खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो न्याय की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। तो ये एक मैसेज है कि सभी पार्टियां मिलकर जो लड़ रही है, कहीं इसमें चुनावी घोषणा तो नहीं है कि देखिए हमारा गठबंधन हो चुका है? चुनाव अलग चीज है, चुनाव तो बाद में रहेगा ना, जब संविधान बचेगा, जब संविधान द्वारा प्रदत्त पूरे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी लोगों को जो हक मिले, जो हक बचेंगे तो राजनीति बचेगी ना जी। राजनीति करके करेंगे क्या जी? अगर हमारे लोग नौकरियों से बिल्कुल वंचित कर दिए गए, हमारे लोगों के पास खेती की भूमि नहीं है, हमारे लोगों के पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे लोग प्राकृतिक संसाधनों में कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है, तो हमारे लोग है कहाँ? ले दे के बाबा साहेब के दिए आरक्षण की वजह से कुछ लोग नौकरियों में आए थे, उसको भी इन्होंने बंद करने की बहुत बड़ी साजिश रची है और इस साजिश को हम लोग खत्म करके छोड़ेंगे। देखिए चंद्रशेखर आजाद रावण जो भीम आर्मी के चीफ हैं और सुधीर जी, हम उनसे जानना चाहेंगे सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस विषय में? किस विषय में? जो विषय चला आज हजारों की तादाद आप लेकर आए हैं, संविधान को कुचला जा रहा है, दोबारा से प्रयास ये किया जा रहा है कि बहुजनों को शिक्षा से दूर किया जाए, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार अपनी मनुस्मृति की जो नीति है उसे लागू कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं और जब तक ये संसद में इस पे जो है संशोधन नहीं होता, इस पे विधेयक नहीं आता, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। तो भीम आर्मी का आगे क्या स्टेप होगा इसमें? जो आंदोलन पूरी टीम कर रही है उसको सपोर्ट करेंगे, अगर इससे बड़ा आंदोलन की कोई तारीख डिसाइड होगी तो उसमें भी रोड पे आएंगे जी। चलिए हम आपसे मिलवाना चाहेंगे जो कौशल पवार जी जो वाल्मीकि समाज से दलित समाज से हैं और कॉलेज में
प्रोफेसर के संस्कृत की जो टीचर हैं, बड़ी संघर्षों के बाद ये टीचर बनी हैं और इनके ऊपर भी जातिगत जो है भावनाएं रहती हैं लोगों की, लेकिन फिर भी बड़ी मजबूती से मुस्तैद रहती हैं। कौशल पवार जी जो सत्यमेव जयते जो आयोजन आप देखते होंगे उसमें आमिर खान के साथ रूबरू होकर बात की थी और वो भावुक हो गए थे, लेकिन हम उनसे देखिए जानना चाहेंगे। मैम नमस्कार। जी जय भीम। बताइए ये जो 13% जो रोस्टर के जो बात की जा रही है, जो 200% था उसको घटाकर 13% जो कर दिया गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पहले 200% रोस्टर था पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, सभी जगह। उससे क्या होता था कि हम लोगों को रिजर्वेशन जो दिया गया है, हमारा जो निर्धारित रिजर्वेशन है वो हमें उसके आधार पे मिलता था। लेकिन सरकार ने अभी क्या किया, सरकार ने क्या, पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट पर एक याचिका दायर की गई और उसमें ये कहा गया कि 13% रोस्टर को लागू किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस डिसीजन में 13% रोस्टर के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद ये 13% रोस्टर MHRD से होता हुआ, UGC से होता हुआ कॉलेजेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। हम लोगों ने इसके ऊपर बिल्कुल जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हंगर स्ट्राइक की, रिले हंगर स्ट्राइक, तब सरकार ने ये कहा कि हम इसके ऊपर SLP दायर करेंगे। यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी हैं, बन्नाराम जी हैं और सामाजिक संगठनों से हैं, भामसेव से हैं, भामसेव के सचिव भी हैं, तमाम जितने यहाँ आप मेरे सामने दिखाई दे रहे होंगे इन सबको मैं ये कहना चाह रही थी कि जो 13 पॉइंट जो रोस्टर था उससे SC ST OBC तीनों बाहर जाएंगे और ख़ासकर हमारा जो आदिवासी समाज है, जो ST है, वो तो बिल्कुल 150 साल तक पीछे चला जाएगा क्योंकि वहाँ 14 पॉइंट तक तो पहुँचेगी ही नहीं वैकेंसी। OBC की चौथी है और फिर उसके बाद 7वीं है और फिर उसके बाद 14वीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, तमाम देश की यूनिवर्सिटी हो, जब भी कोई वैकेंसी निकलती है वो 2, 3, 4 से ज़्यादा निकलती ही नहीं जी, मैक्सिमम 2 और 3 पे सिमट के रहता है। उनको भी पता था ये, कोर्ट में जो सरकार ने जो वकील खड़ा किया उस कोर्ट ने हम लोगों के ही अगेंस्ट में 13 पॉइंट रोस्टर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को कायम करते हुए उसी को कायम रखा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रिजर्वेशन को आप सीधे रूप से बंद नहीं कर सकते, ये संवैधानिक एक अधिकार है। और दूसरी बात ये कि समाज उसको बहुत अच्छी तरह समझ लेता है, तुरंत आरक्षण का विरोध करेंगे तो तुरंत समझ आएगा, लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से आप बात करेंगे तो समाज तक पहुंचने में, उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मतलब एक अलग रास्ता चुना है, कान जब पकड़ा जाता है ना, एक तो सीधे तरीके से पकड़ो, एक नीचे से पकड़ो, पकड़ा तो खा नहीं जाएगा ना। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि रोस्टर के नाम पे, 13 पॉइंट रोस्टर के नाम पर SC ST OBC को पूरी तरह से शिक्षण संस्थाओं से बाहर निकाल दिया गया है। देखिए इसी के प्रोटेस्ट, इसी के लिए आज ये मार्च है जो सरकार को ये मजबूर करेगा। पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, आज उनका इस गवर्नमेंट का आखिरी सत्र का पहला दिन है और आज से शुरू होगा, तो हमारी मांग यही है कि 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ 200 पॉइंट लेते हुए जो हमारा पहले से ही बैकलॉग के साथ 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल करें, उस पर अध्यादेश लेकर आए। हम चाहते हैं कि अध्यादेश हो और इसके साथ साथ अनुसूची में डाला जाए ताकि रोस्टर के नाम पर यूनिवर्सिटीज में आरक्षण के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इसको हम सामाजिक मुद्दे की तरह लेकर चल रहे हैं क्योंकि इन लार्ज सोसाइटी इससे प्रभावित हो रही है। मेरे साथ बन्नाराम मीणा जी हैं, ये आपको और ज़्यादा बताएंगे कि ST जो हमारा जो समुदाय है वो किस तरीके से बाहर जा रहा है। आप उनको पहले से ही जंगलवासी कहना शुरू कर रखा है, मतलब उनकी उनकी डेफिनेशन ही आपने बदल दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पहले से ही काम किया जा रहा था जी, अंदर से तो पहले से ही तैयारी पहले से थी। अब इनको ये चेक, जैसे हम महिलाएं ना चावल बनाते हैं ना, तो हम एक बार थोड़ा सा निकाल के देखते हैं कि वो पका या नहीं पका, तो ये आंदोलन का भी पका नहीं पका कितना ये करते हैं, कितना महाक्रोश निकलता है और फिर किस तरीके से उनको नुकसान होता है, तो ये अध्यादेश लेकर आएंगे। कौशल जी, आप किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे अभी पता है इस बात का, और आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो ये दर्शाया जा रहा पब्लिक के सामने कि देखिए हमारा गठबंधन हो चुका है, सभी पार्टियों के यहाँ मिलकर झंडे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए ये बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया। हम पहले दिन से ही, जब से हमने शुरू किया, संदीप जी हमारे साथ शुरू से हैं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बन्नाराम जी और भी तमाम जितने यूनिवर्सिटी, ये जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत है जी। हम समर्थन चाहते हैं सबका,
कोई भी पार्टी हो इस मुद्दे पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले आके 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध करे। ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ना किसी पार्टी का गठबंधन है। हमें पार्टियों के गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने इशू से संबंधित हम लोग मांग रहे हैं। हमारा इशू है 13 पॉइंट रोस्टर वापस होना चाहिए। उसमें हमें तमाम सामाजिक संगठनों का सहयोग की जरूरत है, तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सपोर्ट की जरूरत है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीति कर रहे हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को, देखने वाले सभी तमाम जो सोशल जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनके माध्यम से ये बताऊंगी कि आप इसको अगर जानबूझ के डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन है और सरकार पल्ला झाड़ ले इससे कि गठबंधन है, ये लोग तो शोर मचाएंगे ही क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम हमारा सीधा सा एक सूत्रीय कार्यक्रम है और वो बैनर के नीचे है, ज्वाइंट एक्शन फोरम फॉर एकेडमिक सोशल जस्टिस टू सेव रिजर्वेशन। ये हमारा उसकी पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सेंट्रल कमेटी है, हम लोग खुद कोऑर्डिनेशन कमेटी में है। उस कमेटी के बैनर तले जितने भी तमाम झंडे प्रदर्शन जो आपको दिखाई दे रहे संगठनों के वो आए हुए हैं, ना कि हम उनके साथ संगठन। आप एक बुद्धिजीवी है इसलिए, और मुझे पता है अगर कोई पार्टी का होता या कुछ होता राजनीति होता तो आप दिखाई नहीं देते। हम राजनीतिक एजेंडे में हम क्यों आएंगे? वो आए जो राजनीतिक पार्टियों से संबंधित है, अलायंस करते हैं, हमें इससे क्या मतलब है? लेकिन तमाम यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट और तमाम यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो आज यहाँ आपको देना है, अगर इसको तुरंत बहाल नहीं किया गया तो ये कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और देखिए इनके साथ भी मैं बता दूं, सदन में जो अत्याचार इन पर हुआ था, गाली गलौज, माँ बहन की गाली और जाति सूचक शब्द इन पर लगाए गए थे और बोले गए थे, और इस सिर्फ इसलिए क्योंकि उन सबको पता है ये दलित समाज से है और वाल्मीकि समाज के नेता हैं और इनको दबाया जा सकता है। तो एक ये गहरी सोची समझी साजिश नज़र आती है। बिल्कुल सोची साजिश है, चाहते हैं हम लोग इनके बराबरी में ना आ सकें। बराबरी का हक अधिकार के लिए बाबा साहब ने रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। आज इस देश में 10% आरक्षण की बात ये लोग करते हैं, वो मात्र संविधान का संशोधन है, और संविधान संशोधन को करके ये देश के दलित बहुजन पिछड़ों का आरक्षण को ख़त्म करने की इन लोगों की प्लानिंग है। और हम आज इस देश का बहुजन, मैं इनको चेतावनी देता हूँ कि आज इस देश का बहुजन समाज, दलित पिछड़े लोग आज वो जाग चुके हैं और वो आज आपसे अपना हक और अधिकार छीनने की क्षमता रखते हैं, वो आपसे सारे अधिकार छीन कर ले सकते हैं। उनके अंदर इतनी ताकत है। आज इस देश के बाबा साहब के बच्चे इस देश के अंदर पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। भीम साथियों, मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट, भीम आर्मी, प्रभारी दिल्ली प्रदेश। सर, मैं बताना चाहता हूँ ये लोग आप लोगों सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से कि जो ये 13 पॉइंट रोस्टर है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। पहले 200 पॉइंट रोस्टर था और ये जो सरकार जो जज बना रही है सुप्रीम कोर्ट में वो इनके ही लोग हैं, इनकी मानसिकता वाले लोग हैं, वो कानून को सही डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनकी कमियां हैं ये। और 13 पॉइंट रोस्टर वो ख़त्म होना चाहिए और पहले पुनः जो 200 पॉइंट रोस्टर है वो आना चाहिए। और जो 10% रिजर्वेशन जो संविधान में आर्थिक आधार पर नहीं था, आर्थिक आधार पर जो किया है वो गलत है, वो संविधान की मूल जो उसका ढांचा है उसको ख़त्म करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब एक बात बताइए, दलित लोग SC ST OBC मतलब कितना भी पढ़ ले उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है इस नहीं, पहले तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति में जो यहाँ के बहुजन समाज है उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, मगर बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से इनको पढ़ने का अधिकार मिला। मगर उस पढ़ने के अधिकार के बाद भी उनको नौकरी शिक्षा नहीं, उनको नौकरी ना मिल पाए, इसलिए ये लोग इनको ख़त्म कर रहे हैं और ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। जी धन्यवाद सर। अच्छा लाखन जी, इस पे इसको तकरीबन रोका कैसे जा सकता है? सर, इसको सिर्फ जो आज से पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो चुका है, अगर सरकार चाहती है इसको रोकना, 13 पॉइंट रोस्टर वापस चाहती सरकार, तो सरकार अपने जो पार्लियामेंट सेशन है उसके दौरान बिल लेकर आए, अध्यादेश लाए और उसको पलट सकती है। अध्यादेश लेके आए, इसके अंदर और कोई चारा ही नहीं है। बार बार तीन बार सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद यही निर्णय हुआ कि डिसमिस। अगर सरकार चाहती है कि इनका रोस्टर वापस हो, तो मैं समझता हूँ कि SC ST का OBC का प्रतिनिधित्व भरने के लिए सरकार अध्यादेश लाए और इनको बहाल करें, और यही एक चारा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं है। सड़कों पर जो उतरे हैं इसका भी ये सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए कि सरकार देखे कितने लोग बहुजन की तादाद के अंदर, बहुजन मूवमेंट के लोग सड़कों पर है, उनका प्रतिनिधित्व का मामला है। ये SC ST OBC के लोगों का जो प्रतिनिधित्व है उनको शून्य किया जा रहा है ये रोस्टर सिस्टम से माध्यम से। आने वाले समय में SC ST OBC के लोग यूनिवर्सिटी में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में दाखिल ना हो, ये सरकार को रोकने का कार्यक्रम है। अगर सरकार चाहती है कि ऐसा ना हो तो अध्यादेश लिया है। आज जो जंतर मंतर पर इतने बड़ी तादाद में जो ये रोष
प्रकट किया जा रहा है, इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? इससे पूरा पूरा फर्क पड़ेगा कि पूरा पूरा फर्क के अंदर जो पूरे देश के अंदर ये लोग आज सड़कों पर है, बहुजन मूवमेंट के लोग सड़कों पर है। ये सरकार देख रही है कि आने वाले समय में इस मई में अप्रैल में इलेक्शन स्टार्ट है और इतने बड़ी तादाद के अंदर बहुजन जो वोट बैंक समझती है बीजेपी कांग्रेस के लोग, ये एक विरोध की स्थिति में आ चुके हैं। अगर अध्यादेश नहीं आता तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर क्रांति होगी जो आने वाले समय में बीजेपी को, कांग्रेस को, मनुवादी पार्टियों को जड़ से उखाड़ने का काम करेगी अगर अध्यादेश नहीं आता है। तो बीजेपी ये जान ले, ये समझ ले कि अगर बहुजन मूवमेंट के लोग सड़कों पर है तो बीजेपी की हार निश्चित है, कांग्रेस की हार निश्चित है और अध्यादेश अगर सरकार लाती है तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी साख बचाने में अपनी कामयाब होगी। धन्यवाद सर। सामाजिक न्याय आधारित आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने पे तुले हुए हैं और धीरे धीरे एक झटके में नहीं करेंगे, कोई इधर से करेंगे, कोई किसी को कोई किसी रोस्टर के बहाने करेंगे, कोई ना कोई ऐसे बहाने से करेंगे। और आने वाले समय में अगर हम लोग भारत के भविष्य को लेकर, देश के तमाम समाज के भविष्य को लेकर अगर ठीक से सक्रिय नहीं हुए तो जो साजिश के दो कदम चल रहे हैं आगे, पहला कदम इनका 10% और दूसरा कदम इनका ये 13-point रजिस्टर सिस्टम, इस साजिश को और आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके ये सामाजिक न्याय के लिए जो संरचना दी गई आरक्षण व्यवस्था की उसको खत्म करके मानेंगे। तो मैं अपनी सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी के सांसदों की तरफ से यहाँ मंच पर और मंच के आगे बैठे हुए तमाम साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। मैं ये कहने नहीं आया कि मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हम सब साथ हैं, लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, हम सब इसको लड़ेंगे मिलकर। और इस लड़ाई में जहाँ भी जो भी करना हो, जिस तरह भी मंच की तरफ से सहयोग की आवश्यकता हो, गाइडेंस की जरूरत होगी, हमें गाइड कीजिएगा, सहयोग की आवश्यकता होगी हम सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिना कोई कमीशन के, बिना कोई व्यवस्था के उन लोगों ने आनंद पानी में मात्र 72 घंटे में इन लोगों ने आरक्षण लाने का काम किया। मैं मानता हूँ कि गरीब जो है स्वर्ग में भी गरीब हो सकते हैं, लेकिन ये आरक्षण जो है ये कोई आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया। और हमारी मांग है, अगर आपने 50% का बैरियर तोड़ने का काम किया है, जब 50% का बैरियर टूट गया है तो जिसकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी संख्या भारी है, उसी हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जो मंडल कमीशन बैठी थी, 52% आरक्षण की बात की गई थी, आज भी आप लोग देख लीजिएगा जो 27% आरक्षण है उसको भी भरने का काम किया गया। हमको नहीं लगता कि 10% भी भरने का काम किया गया होगा। और आप लोग जो 1931 पे जनगणना हुई थी उसके आधार पर ये पिछड़ों को या दलितों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन आज 2019 हो चुका है, 1931 से 2019 तक आप समझ जाइए कि दलितों की, पिछड़ों की आबादी कितनी बड़ी है। हमारी मांग है कि फिर से जाति जनगणना होकर के, नया सिरे से जनगणना होकर के, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। और तत्काल